नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल श्याम दीबाना जी का, आहूजा डीपीए 570 पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए बात करते हैं आहूजा डीपीए 570। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है और बहुत सारा चीज़ इसमें दी गई है। देखिए चलिए बात करते हैं इसी फीचर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक वन है, उसका माइक टू, माइक थ्री, तीन यहाँ पे दी गई है। वॉल्यूम कंट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आपको माइक वन की स्लॉट दी गई है 6.3 mm का जैक, माइक टू, माइक थ्री, तीन माइक दे सकते हैं। और उसके साथ देखिए ये जो दोनों है, ये ऑक्स और माइक टू का कंट्रोल के लिए यहाँ पे दी गई है, और दूसरा जो है माइक थ्री एंड यूएसबी, और उसका स्विच भी है। आप चाहे तो यूएसबी चला सकते हो और माइक की तरफ दे सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ये आप आपके ऊपर है, आप इसको माइक थ्री की का वॉल्यूम और माइक यूएसबी किसी एक को चलाना है आपको, बेस्ट टेबल के लिए जैसे आहूजा का रहता है हमेशा दिया है। और इसमें डीपीए 570 जो है, यहाँ पे आपको MP3 डिजिटल प्लेयर भी मिल जाता है। आप बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप डायरेक्ट गाना बजा सकते हैं, आपको मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा है। मॉनिटर ऑन पावर ये दी गई है। अब देखिए ये आपकी थ्री माइक और वन ऑक्स यहाँ पे देश आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और यूएसबी रीडर है, रिमोट कंट्रोल है, लाइट आउट है, बहुत अच्छा। और एक एम्पलीफायर इसमें लगा सकते हैं। तो पीछे हाँ पीछे बैक पैनल हम लोग देखेंगे, बैक पैनल देखिए बहुत अच्छा है, सिंपल सी ऑक्स इन है, लाइन आउट है। तो यहाँ से लाइन आउट लेके आप चाहे तो किसी और भी एम्पलीफायर को लगा सकते हो तो अच्छा रहेगा। ये भी या बेसिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटा, 4, 8, 16, 100 वोल्ट। आप इसमें आप इसकी जो अगर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो 75 वाट है मैक्सिमम, 50 वाट की है ये RMS, और 75 वाट इसकी मैक्सिमम जो है। आप इसमें वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही 75 वाट से 80 वाट, 100 वाट तक लोड दे सकते हैं, लेकिन 50 वाट इसकी RMS है रनिंग में, तो 60-70 वाट आराम से, 40 वाट की, हाँ ये 40 वाट की आप दो अगर हाँ देंगे XT ड्राइव अगर दे रहे 40 वाट के दो तो भी चलेगा, और 4, 8, 16 ओम आप 40-40 के दो, और भी 35 वाट की दो हॉर्न आराम से बैठा बैठा सकते हैं, जो कि नॉर्मल AU 35, AU 40 ये वाले आहूजा के जो आते हैं वो वाला भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा ये वाले DPA 570 में। और बाकी इसमें बाकी चीज़ सेम है, 7 kg है ये, और ये DC पे भी चल सकता है, AC DC बहुत में चलेगा, अच्छा है ये। ये एक अच्छा फैसिलिटी है इसमें, AC DC 12 वोल्ट DC में भी ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो देख सकते हैं बहुत छोटा और अच्छा भी है, 570 इन जनरल RMS 50 वाट है, 75 वाट तक ये लोड दे सकता है, और ये अच्छा बिगिनर के लिए अच्छा रहेगा। ये 6 से 6,500 में आता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो आराम से देख सकते हैं। तो ये वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। और बाकी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो साउंड क्राफ्ट की जो मिक्सर की एक वीडियो आने वाली थी, बारिश के कारण वो वाला वीडियो का कुछ पार्ट हमने रिकॉर्ड किया है, और वो वाला पार्ट भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि पूरी जब पार्ट बनेगी तो अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंटली कोई प्रोग्राम 1-2 दिन में है, तो कुछ दिन लगेगा वो पूरा सेटअप लगने का। बड़ा प्रोग्राम होने से वो पूरा सेटअप लगता है, तो छोटा सेटअप का जो आपको मैं वीडियो दे दूंगा, जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स तबला कीबोर्ड और बहुत छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट की आपको सेटिंग मिल जाएगी वहाँ पे उस मिक्सर से। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत, स्वच्छ भारत।